नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, भोपाल में नगर निगम चुनाव शुरू हो चुके हैं। बात की जाए छोला क्षेत्र की, तो छोला क्षेत्र में वार्ड 18 लगता है। विनोद चौरसिया ने निर्दलीय फार्म भरा है और इनका चुनाव चिन्ह है कैंची। क्या कैसी चल रही कैंची और कैसा हो रहा है प्रचार? भाई साहब, मैं विनोद चौरसिया, वार्ड क्रमांक 18 से मेरा चुनाव चिन्ह है कैंची। और आज भी विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी और जनता की सेवा करी, तो मैंने अपने कार्यकाल में रोड है, नाली है, पाइपलाइनें बिछवाई, मंदिरों का निर्माण कराया, आंगनबाड़ी बनवाई, ये ट्यूबवेल लगवाए, ऐसे बहुत काम किए जिससे पब्लिक हमारे वार्ड 18 की है वो हमसे प्रभावित है। खुश है कि आपने जो काम किया अच्छा किया, और अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है तो आप निर्दलीय खड़े होइए। तो ये जन समूह जो आप देख रहे हैं, ये समूह जनता मुझे चाहती है और प्यार करती है और कहती है कि भैया आप चुनाव लड़ो, और जो आपने विकास करा है अगर जीत के आओगे तो आप इससे ज्यादा भी विकास कर सकते हो। तो मेरा भी यही विचार है कि मैं एक आदर्श, अगर मैं जीता तो एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा। महिलाओं की जो समस्या है, मेन समस्या महिलाओं की है, बेचारी घर में रहती है, नालियों में पानी भर जाता है, गंदगी बची है, कीड़े हो गए हैं, तो वो उससे जूझती रहती हैं। आदमी तो घर से बाहर निकल जाता है परंतु महिलाएं उससे परेशान रहती हैं, गंदगी से बीमारियां हो जाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक अच्छा, दूसरा क्या है कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए एक डिजिटल हमने एक वो चलाएंगे, जिससे एप जो कोई की भी शिकायत होगी उस एप के द्वारा होगी और उस समस्या का हल हम 24 घंटे के अंदर करेंगे, ये हमारा वादा है पब्लिक से। और वार्ड क्रमांक 18 के जितने भी मतदाता लोग हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैंने आज जो विगत वर्षों से कार्य किया है उससे सब लोग मेरे कार्य से खुश रहते हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ प्यार है कि पब्लिक ये चाहती है कि आप चुनाव लड़ो, और आप चुनाव मत लड़ो, चुनाव हम लड़ेंगे। जनता हमारी जो है वार्ड 18 की, वो मेरे लिए चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और पार्षद भी वही होंगे और मेरे जो कार्यकर्ता है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस उन्हीं की दमखम मेहनत से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप प्रत्याशी के साथ साथ इस क्षेत्र में समाज सेवी के तौर पे आपने विगत 7 वर्षों से काम किया है, तो समाज सेवी कुछ आपसे जुड़े भी होंगे क्षेत्र के, उनका क्या राय है और क्या उनका? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो चुनाव लड़ने नहीं चाहता था, परंतु जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरे यहाँ की जनता त्रस्त हो गई कि पिछले कई वर्षों से जिस पार्षद को जिता के भेजा उसने कभी पलट के नहीं देखा, और आज हर आदमी ये बता सकता है कि जो पार्षद जीत के गया वो आए नहीं, जिसके वजह से आज नारकी जिंदगी जी रहे हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग, क्योंकि नालियां सफाई नहीं होती, नाले साफ नहीं होते हैं, निर्माण नहीं होता किसी चीज का। तो जो कार्य मैंने किए हैं वो उससे यहाँ की जनता बहुत खुश रहेगी, और उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत करिए, आप चुनाव लड़िए मात्र, बाकी जीत हमारी ही होगी और 101% होगी। तो वार्ड 18 में हम भोपाल का एक क्षेत्र है जहाँ पर छोला लगता है, तो हम बात करेंगे अनेक प्रत्याशियों से, आपको पूरी जानकारी देंगे। विनोद चौरसिया जी हमारे साथ थे, चुनाव चिन्ह इनका कैंची है, वार्ड 18 से खड़े निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इनका कहना है कि जनता ने इनको अपना कहा है कि आप खड़े हुई है, अब देखते जनता किसे वोट देती है। राजधानी समाचार न्यूज कमरा की रिपोर्ट, भोपाल, वार्ड 18। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.